लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तमाम विपक्षी दलों में एकता की सुगबुगाहट तेज हो गई है। विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी के नेताओं के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में बैठक आयोजित की गई। इस बीच जदयू नेता नीतीश कुमार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुलाकात हो गई। हालांकि राहुल गांधी ने विपक्षी एकता को लेकर कहा कि विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। वहीं विपक्ष की एकता को लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने निशाना साधते हुए कहा कि गीदड़ एक साथ होकर लड़ ले फिर भी शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। बात सुनिए, क्या फर्क पड़ता है? गीदड़ इकट्ठे होकर भी लड़े तो शेर का मुकाबला करते हैं क्या? इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना, काम करना। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की कवायद को और मजबूत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वामपंथी नेताओं सीताराम येचुरी और डी राजा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इसके बाद नीतीश कुमार ने भी विपक्षी एकता को लेकर कहा कि अधिक से अधिक विपक्षी दल एक साथ हो, इससे केंद्र की चिंता बढ़ेगी। वहीं विपक्षी एकता को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। अनुराग ने कहा कि भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कुछ पार्टियां जब एक जगह इकट्ठा होती हैं तो महागठबंधन बनता है। एक जगह जब सारा अपोजिशन, अधिक से अधिक अपोजिशन एक साथ जुड़ने की स्थिति पैदा हो रही है तो जो लोग हैं केंद्र में उनको तो चिंता है ना, इसलिए पता नहीं क्या क्या करेंगे अभी। लेकिन ये सब करने से क्या होगा, होगा तो चुनाव हुआ ना। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महाठक बंधन बनता है। भ्रष्टाचार छिपता नहीं है, लोग इनकी नीतियों को जानते हैं कि ना इनके पास कोई नीतियां हैं, ना नेतृत्व है, ना ही साफ नीयत है। और जब नीयत में ही खोट हो तो जनता कभी वोट नहीं देती। बहरहाल विपक्ष के सामने सबसे बड़ा अड़ंगा है कि आखिर विपक्ष की अगुवाई करेगा कौन, क्योंकि कांग्रेस अपने नेता को आगे बढ़ाना चाहती है, नीतीश कुमार की अपनी मंशा है, ममता और केसीआर भी अपना अपना इरादा जाहिर करेंगे ही। ऐसे में देश भर में सत्ता पक्ष के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करने की नीतीश कुमार की मंशा पूरी तरह अमल में आ पाएगी, ये कठिन डगर लगती है। खैर, कोशिश ही की जा सकती है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।